क्या हुआ? चिल्ला, अब चिल्ला ना, बुला अपने बेटे को, बुला। अब आवाज क्यों नहीं निकल रही है? पता नहीं इस बुढ़िया से कब छुटकारा मिलेगा। मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रखती है। सोचा था शादी के बाद थोड़ा ऐश करूंगी, लेकिन नहीं, इस अपाहिज बुढ़िया के चलते मैं आया बनकर रह गई हूँ। नहीं, अब मैं इसका काम तमाम करके ही रहूंगी। पी पी चुपचाप से पी। पिंकी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, तुमने कहीं देखा है क्या? हाँ, तुम्हारा वॉलेट बाहर टेबल पर ही है। अच्छा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। माँ का ख्याल रखना। हाँ, तुम जल्दी जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा। माँ इशारे में कुछ कह रही है क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही कहती रहती है, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। अच्छा, ये कुछ नीचे गिरा हुआ है क्या? इतना गीला गीला है सब। वो मैं माँ को दवाई दे रही थी ना, तो गलती से पानी गिर गया। ओ, तुम हो तो मुझे माँ की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तुम माँ की कितनी सेवा करती हो। मैं और माँ बहुत ही लकी है कि माँ को तुम जैसी बहू मिली है और मुझे इतनी अच्छी पत्नी। अच्छा, मैं ऑफिस चलता हूँ, तो मेरी नजर लग जाएगी तुम लोगों को। मरने की पड़ी है, लेकिन फिर भी तुझे चैन नहीं है। क्या बताने की कोशिश करी थी? हाँ बोल, क्या बताने की कोशिश करी थी? साली, जहर भी तूने फेंक दिया, लेकिन तू क्या सोची कि तू आज तो बच गई? हाँ, आज तो मैं तेरा जान लेकर ही मानूंगी। चाबी फिर से घर पे भूल गया। क्या हुआ? चिल्ला, अब चिल्ला ना, बुला अपने बेटे को, बुला। अब आवाज क्यों नहीं निकल रही है? तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तो बस उन्हें तकिया के सहारे बिठा रही थी खाना खिलाने के लिए। अंधा नहीं हूं मैं, मैंने अपनी आंखों से सब देखा। अरे क्या बिगाड़ा मेरी माँ ने तुम्हारा? क्यों मारना चाहती हो? मैं तुमसे शादी इसीलिए की थी क्या कि तुम्हारी घर की नौकरानी और तुम्हारी माँ की आया बन के रह जाओ? मेरी अपनी भी लाइफ है, मेरे कुछ शौक है। अरे तुम्हें जो करना है तुम करो, कौन रोका है तुम्हें? अपना शौक पूरा करो तुम। तुम्हारी इस अपाहिज माँ से फुर्सत मिलेगी तब ना मैं अपने शौक पूरे करूंगी। मेरा भी मन करता है फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, क्लबिंग पे जाओ, नाइट आउट पे जाओ, लेकिन नहीं, दिन रात तो तुम्हारी इस माँ की सेवा में गुजर जाती है। पिंकी, मैंने पहले ही कुछ तुम्हें कहा था कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करना है जो मेरी माँ का ख्याल रखे। मुझे लगा था कि ये बुढ़िया 2 महीने की मेहमान है, लेकिन नहीं, ये तो अमर फल खा कर आई, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। अपनी जुबान को लगाम दो, समझी तुम? अगर मेरे माँ के खिलाफ एक और लफ्ज बोला तो जुबान काट लूंगा तुम्हारी। जो औरत मेरी माँ से प्यार ना करती हो, उन्हें मारना चाहती हो, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। संजय देखो, गुस्से में कोई डिसीजन लेना ठीक नहीं है। मैंने कहा ना कि जाओ यहाँ से। इस बुढ़िया के चलते तुम मुझे छोड़ रहे हो, बहुत पछताओ। अरे क्या बुढ़िया बुढ़िया लगा रखी हो, माँ है वो मेरी। अपना मनुष्य शक्ल लेके निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। माँ, माँ मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि वो आपसे प्यार नहीं करती, आपको मारना चाहती है। माँ, मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ, अब मैं किसी दूसरे के भरोसे आपको नहीं छोड़ूंगा, आपका ध्यान मैं खुद रखूंगा।